देखो बच्चों, हमने एबीसी से ड्राइंग बनाना सीखा था। आज हम इंग्लिश के अल्फाबेट डी ई और एफ से ड्राइंग बनाना सीखेंगे। देखो, डी बनाना आता है सबको। ये क्या बन गया? डी, डी फॉर डॉग, और डी फॉर होता है ड्रम, ड्रम। तो आज हम डी से बनाएंगे ड्रम। तो ऐसे डी बनाया हमने, एक ऐसे ही हम उल्टा डी बना देंगे। बन गया? और ऐसे लाइन खींचकर हम इन दोनों लाइन को मिला देंगे। मिल गई? अब ऐसे सीधी सीधी लाइन खींच लेंगे। खींच ली। बीच में हम दो लड्डू बना देंगे, जीरो भी बोल सकते हैं, सर्कल भी बोल सकते हैं। ये बन गए, और इनको ऐसे लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? ड्रम। डी आर यू एम। अब ई से देखो, ई फोर क्या होता है? एलिफेंट पढ़ा है ना आपने, तो ये सीधा ही है। अब एक बना देंगे हम उल्टा ही। ये बन गया, सब बना लेंगे आसानी से। अब यहां पर इसको ऐसे ये आधा गोला बना देंगे। बन गया, बन गया। ऐसे हम दो करो बनाएंगे, और ये हम बना देंगे हाथी की सूंड। क्या बन गई? ये हाथी की सूंड बन गई। और यहां पर हम हाथी की आंख बना देंगे। तो हमने ई से क्या बनाया? एलिफेंट। अच्छा ये बताओ, एफ फोर क्या होता है? फिश। और एक चीज और होती है, एफ फोर फ्लैग भी तो बनता है। एफ फोर फ्लैग होता है, तो एफ की हेल्प से हम फ्लैग बनाएंगे। देखो, एक लाइन ऐसे खींच ली और एक ऐसे खींच ली। खींच लेंगे सब, इसको मिला देंगे। मिल गया। बीच में एक गोला बना देंगे, जैसे हमारे फ्लैग में चक्र होता है ना, ऐसे चक्र बना देंगे बीच में। और इसमें तिल्लियां कितनी होती हैं? 24। कितनी होती हैं? 24 हम बना देंगे तिल्लियां। ये बन गई हमारी 24 तिल्लियां। और ऐसे हम एक लाइन और खींचेंगे, और नीचे यहां पर हम बना देंगे स्टैंड। तो ये क्या बन गया? फ्लैग। एफ फोर फ्लैग। तो हमने क्या बनाया? डी फोर ड्रम, ई फोर एफ फोर फ्लैग। तो हमने डी ई और एफ की हेल्प से हमने ड्रम, एलिफेंट और फ्लैग बनाया। चलो सब बच्चे ड्रॉ करो कॉपी में अपनी। आसान है ना बनाना?